हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अपना क्लास प्लस वन की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नेम है कलेक्शन ऑफ डाटा। आज हम इसमें वीडियो सेशन नंबर टू करने वाले हैं। और आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, मेथड्स या फिर सोर्सेज ऑफ डाटा। कौन सा डाटा है इसमें, प्राइमरी डाटा की हम मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सेकेंडरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अब सीखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, प्राइमरी डाटा कौन सा होता है। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर खुद फर्स्ट टाइम जाके वो डाटा कलेक्ट करके आता है। अब इसके कौन कौन से मेथड है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, शेड्यूल्ड फील्ड बाय एनुमेरेटर। अभी हम इस वीडियो सेशन में वन बाय वन इस सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद रिस्पोंडेंट के पास जाता है, यानी कि जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो होता है रिस्पोंडेंट। ठीक है, खुद उसके पास जाता है और खुद जितनी भी मतलब उसको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी उससे पूछ पूछ के कलेक्ट कर लेता है। अब देखिए इसमें क्या है, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर कौन, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए, कलेक्ट डाटा हिमसेल्फ, खुद ही डाटा कलेक्ट कर रहा है। बाय किससे, कॉन्टेक्टिंग द रिस्पोंडेंट, खुद रिस्पोंडेंट से कॉन्टेक्ट कर करके वो सारा डाटा इकट्ठा कर रहा है। अब देखो कहाँ पे डाटा सुटेबल रहता है, यानी कि कहाँ कहाँ पे ये डाटा जो है कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, लिमिटेड एरिया, बहुत छोटे से एरिया में ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। अब देखो ज्यादा बड़े इन्फॉर्मेशन में तो जाकर मतलब इन्फॉर्मेशन भी नहीं कलेक्ट करी जा सकती। ठीक है, तो इसलिए लिमिटेड एरिया ही इसको देना पड़ता है कि जहाँ पे डाटा कलेक्ट कर सकता है। एक्यूरेसी है, अब खुद जाके डाटा कलेक्ट किया है तो इसलिए डाटा क्या होगा, एक्यूरेट होगा, बिल्कुल सही होगा। सीक्रेसी, अब अगर हमें किसी को इन्फॉर्मेशन लीक ना करनी हो बीच में, वो डाटा हमारा सीक्रेट बना रहेगा ना, क्योंकि हमें खुद ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें खुद के लिए डाटा इकट्ठा किया है तो सीक्रेट। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि चेंज कर सकते हैं। अब हमने अपनी इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने इस डाटा को कलेक्ट किया है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा को चूज किया है कि कौन सा डाटा हमें इकट्ठा करना है। अगर हमें फिर लगता है कि इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है तो वो हम बाद में चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है। अब मेरिट्स, मेरिट्स क्या होती है, यानी कि इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है। एक्यूरेट है, ये डाटा बिल्कुल करेक्ट है, ओरिजिनल, खुद ही कलेक्ट किया है, ओरिजिनल तो होगा ही। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, अब विश्वास तो कर ही सकते हैं ना, खुद ही डाटा जाके कलेक्ट करके आए हैं। अब नेक्स्ट है डीमेरिट्स क्या है, अनसुटेबल फॉर लार्ज स्टडी। जैसे कि मैंने इसकी सुटेबिलिटी में भी बताया था कि ये अनसुटेबल है किसके लिए, लार्ज स्टडी करने में, बहुत ज्यादा वाइडर एरिया में ये स्टडी नहीं कर सकता, छोटा सा ही एरिया चाहिए, क्योंकि खुद जा जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आनी होती है तो बहुत बड़ा इसमें डाटा खुद ही जाके कलेक्ट नहीं किया जा सकता। कॉस्टली मेथड, आप जाके डाटा कलेक्ट करेंगे तो खर्चा भी तो लगेगा ना, तो इसलिए कॉस्टली मेथड है, टाइम भी लगता है। बाइजनेस, बाइजनेस का मतलब होता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा को मोल्ड कर सकते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन तो कुछ चाहिए थी, हमने उस डाटा को ही मोल्ड कर दिया, ये होता है बिजनेस। लिमिटेड कवरेज जो है इसके अंदर होती है, लिमिटेड कवरेज का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि बहुत छोटा ही लेवल जो है इसमें स्टडी होता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड मेथड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है कि जिसके अंदर इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो खुद उस पर्सन से जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता है, जिसकी मतलब इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हो, बल्कि वो किसी थर्ड पार्टी से, यानी कि किसी थर्ड बंदे से जाके वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है जिसको इन्फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, देखिए इसमें, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टीज हु हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट ओरिजिनल इवेंट्स। तो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, कलेक्ट करता है, क्या कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन को, फ्रॉम किससे, थर्ड पार्टी से, कोई और पर्सन। ठीक है, हु हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट ओरिजिनल इवेंट्स, जिसको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, कि क्या कुछ एक्चुअल में हुआ है। मान लो हमें किसी इंडस्ट्री के किसी लेबर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो हमने उन डायरेक्ट लेबर से जाके कॉन्टेक्ट नहीं किया, हमने वहां के ओनर से जाके उसके बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उनसे रिलेटेड हमने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। ठीक है, अब देखिए ये मेथड कहाँ कहाँ सुटेबल रहता है, ब्रॉड एरिया, काफी बड़े एरिया में हम इन्फॉर्मेशन जो है इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मान लो जिससे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा हो हमें, तो वहां भी ये मेथड सही है। अब मेरिट्स क्या है, कवरेज एट वाइडर लेवल, बड़े लेवल पर हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, हमें जितना भी रिक्वायर्ड हमें डाटा है, जो हमें चाहिए होता है, जिस डाटा के बारे में इन्फॉर्मेशन वो हमें मिल जाती है।
सिंपल है, आसानी से जाओ, आसानी से कलेक्ट करके डाटा वापस आ जाओ। लेस एक्सपेंसिव, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कि डायरेक्ट एक एक पर्सन से जाके मिलो फिर हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आएंगे, ऐसा नहीं है। डीमेरिट्स क्या है इसमें? लेस एक्यूरेट, क्योंकि अब देखो एक्यूरेसी तो उसमें होती है ना कि जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमने उसी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, बट इसमें क्या है हम किसी थर्ड पर्सन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें एक्यूरेसी जो है थोड़ी कम हो सकती है। नेक्स्ट है रॉन्ग कंक्लूजन, अब देखो बताने वाला किसी और पर्सन से कोई किसी मतलब किसी और पर्पज से कोई बात बता रहा हो, हम किसी और मैनर से उसकी बात समझ गए हैं तो हम कुछ गलत कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। बायस, बायस का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर जिस पर्सन से हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हो सकता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन बताने में गड़बड़ कर दे, तो इस तरीके की बायसनेस रहती है। बात करते हैं अपने थर्ड सोर्स के बारे में, वो क्या है? इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। इसमें क्या होता है लोकल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद भी नहीं जाता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, किसी और से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता वो, ठीक है, खुद तो मतलब वो जाता ही नहीं, क्योंकि जो हमारे जिससे हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो हमारे रिस्पॉन्डेंट है वो हमारे अलग अलग एरियाज में है। अब वो एक टाइम में अलग अलग एरियाज पे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना, तो इसलिए वो क्या करता है अपने एजेंट को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है, अपना एजेंट एक अपॉइंट कर लेता है जो उसको टाइम टू टाइम क्या करता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर करके उसको दे देता है। जैसे ये न्यूज़पेपर एजेंसीज होती है, ये क्या करती है अलग अलग शहरों में होती है, ठीक है, तो ये क्या करती क्या काम करती है, ये अलग अलग जगह से अपने एरियाज में एक्सपर्ट होती है, जहां से इन्फॉर्मेशन इनको लगती है कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशन आनी है वहां से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टिगेटर को वहां पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देती है। तो देखिए इस मेथड में क्या है, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर एम्प्लॉयज हिज एजेंट एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके दे देते हैं अलग अलग प्लेसेस से, क्योंकि ये अपने एरियाज में फुली एक्सपर्ट होते हैं, इनको पता होता है कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन किस तरीके से लीक करनी है, ठीक है, तो यानी कि इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं ये। अब देखिए ये कहाँ मेथड सुटेबल रहता है, ब्रॉड एरिया जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया हो, ठीक है, तो यानी कि ये देखो अब क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर एजेंसीज है ये अपने अपने एरियाज में क्या करती है न्यूज कलेक्ट कर लेती है, तो अलग अलग शहरों में अलग अलग न्यूज़पेपर एजेंसीज है, ठीक है, वो अपना कर लेती है, तो इस तरीके से काफी बड़ा एरिया इसमें इस तरीके से कवर हो गया। रेगुलर बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देते रहते हैं, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दे देते हैं। लेस एक्यूरेसी होती है इसके अंदर, अब लेस एक्यूरेसी में क्या है, अब देखो खुद तो इन्वेस्टिगेटर जाएगा तो अच्छी तरीके से तसल्ली करके इन्फॉर्मेशन लेगा ना, अभी तो किसी और से काम करा रहा है तो इसलिए डाटा क्या होता है थोड़ा लेस एक्यूरेट होता है। अगर आपको लेस एक्यूरेसी वाला डाटा चाहिए तो ये मेथड बिल्कुल सही है। मैरिज का इकोनॉमिकल मेथड, कम खर्चीला है, ठीक है, कवरेज एट वाइडर लेवल, बहुत बड़े लेवल पर कवरेज इसमें पॉसिबल है, रेगुलर बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन आपने देखा होगा ना जैसे कोई घटना घटित होती है वैसे ही वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मीडिया वाले तुरंत पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स क्या है, लैक ऑफ ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल डाटा इतना नहीं मिलता है हमें जितना ओरिजिनल हमें अगर चाहिए हो बिल्कुल ओरिजिनल तो खुद ही जाके कलेक्ट कर लो, अगर ऐसे काम चलाओ डाटा चाहिए तो इसमें मिल जाएगा, और इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट भी है कि हमें ओरिजिनल डाटा नहीं मिलता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। अब कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन टाइम पे भी नहीं मिलती, अब जब बिना टाइम के इन्फॉर्मेशन मिले तो उसका कई बार तो इन्फॉर्मेशन को कुछ फायदा भी नहीं होता। नेक्स्ट है लेस एक्यूरेट डाटा, ठीक है, कई बार इसमें डाटा क्या होता है एक्यूरेट नहीं होता, जितनी एक्यूरेसी वाला डाटा हमें चाहिए होता है वो नहीं हो पाता। बायसनेस ऑफ एजेंट, कई बार जो एजेंट है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो उस डाटा को मोल्ड कर देते हैं यानी कि चेंज कर देते हैं, तो ये है हमारा इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट मेथड, वो क्या है वेड क्वेश्चनेयर मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर पता है क्या काम करता है, एक क्वेश्चनेयर बना देता है, क्वेश्चनेयर यानी कि एक क्वेश्चंस की मतलब काफी लंबी लिस्ट बना देता है, और वो किसको सेंड कर देता है अपने रिस्पोंडेंट को, यानी कि जिससे उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको वो इन्फॉर्मेशन का जो लेटर के साथ वो क्वेश्चनेयर अपना सेंड कर देता है कि आप इसको जो है वो फिल करके हमें वापस से भेज देना। जैसे एक एग्जांपल देखो इसका कि जो टीचर्स हैं उसको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपसे क्या करते हैं, अब आजकल तो देखो क्या करते हैं वो ऑनलाइन एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको जो भी क्वेश्चंस चाहिए होते हैं यानी कि उनको जो भी क्वेश्चंस के आपसे जो आंसर चाहिए होते हैं वो क्या करते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू मंगवा देते हैं, डाटा उनके पास इकट्ठा हो जाता है, जाना तो नहीं पड़ता ना वहां पे, और डाटा भी उनके पास आ जाता है, वो मतलब जब उनको एक डेट से पहले एक डेट दी जाती है कि हाँ भी इस डेट तक डाटा जो है हमारे पास आ जाना चाहिए, उस डेट से पहले वो क्वेश्चनेयर भेजना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ भी आप इसके रिप्लाई में आंसर जरूर करना। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर सेंड अ क्वेश्चनेयर टू द
इन्फॉर्मेट्स टू कलेक्ट डाटा बिफोर अ प्रिसाइज डेट। अब देखो इसकी सुटेबिलिटी कहाँ पे रहती है, ब्रॉड एरिया आपको पता ही है, बहुत बड़े लेवल पे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मान लो टीचर्स ने डाटा भेजने के लिए एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजा है, ठीक है, तो मतलब स्टूडेंट्स ने कहीं पे भी हो तो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास आ ही जाती है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जितने भी आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए हो वो आपसे पूछ लेते हैं उस क्वेश्चनेयर के उससे। मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल मेथड ना तो जाना पड़ता, ठीक है, टाइम भी बचता है, पैसे भी बचते हैं, ठीक है। ओरिजिनल डाटा, देखो वो ओरिजिनल डाटा किस तरीके से है, अब रिस्पोंडेंट खुद ही उसका रिप्लाई करता है तो जाहिर सी बात है वो डाटा तो ओरिजिनल होगा ही, रिलायबिलिटी है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो तो हमें रिस्पोंडेंट से मिला जिसके मतलब जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी। कवरेज एट वाइड लेवल, तो यानी कि बहुत बड़े लेवल पर हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है, लैक ऑफ सफिशियंट इन्फॉर्मेशन, कई बार क्या होता है कि हमें जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उतनी इन्फॉर्मेशन वो देते ही नहीं है, आधी अधूरी भी छोड़ देते हैं और पता ही नहीं होता किस बात का क्या आंसर देना है क्या नहीं देना। अब देखो इनकम्प्लीट क्वेश्चनेयर, आधा अधूरा क्वेश्चनेयर तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, और कई तो ऐसे होते हैं महान कि वो मतलब सेंड तो कर देती है, वो इन्वेस्टिगेटर तो उनके पास सेंड कर देता है बट वापिस में वो भेजते नहीं है, वो सोचते हैं हमें क्या लेना देना, ठीक है। नेक्स्ट है इनफ्लेक्सिबिलिटी, हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो यूजर ने खुद ही मतलब रिस्पोंडेंट ने खुद ही हमें रिप्लाई करके भेजा है, अब अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम अपने उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। चलिए अब हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं, वो क्या है, शेड्यूल्ड फील्ड बाय एनुमरेटर। अब एनुमरेटर कौन होते हैं कि जो कि जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में उसकी हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं, एनुमरेटर होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द एनुमरेटर आर अपॉइंटेड एट द डिफरेंट प्लेसेस बाय द इन्वेस्टिगेटर। अब इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर अलग अलग प्लेसेस पे इसको एनुमरेटर को अपॉइंट कर देता है, हु कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन इन शेड्यूल्स, और जो क्या करता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके इन शेड्यूल्स में भर देता है। जैसे अपन ने इसमें सीखा था कि क्वेश्चनेयर मेथड में हम क्या करते हैं, रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन सेंड करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो पूछताछ करके खुद ही इन्फॉर्मेशन क्या है कलेक्ट कर लेता है, खुद ही इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेता है, तो ये एनुमरेटर का काम होता है। अब कहाँ सुटेबल रहता है ये, देखो अलग अलग प्लेसेस पे हम इसको एनुमरेटर को अपॉइंट करते हैं तो काफी बड़ा एरिया इसके अंदर हम कवर कर लेते हैं। इनकैपेबल रिस्पोंडेंट, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन को जो प्रोवाइड करते हैं, जो रिस्पोंडेंट जो है इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में इनकैपेबल है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, तो उनसे पूछताछ करके हम वो मतलब इन्फॉर्मेशन खुद ही फिल कर लेते हैं, ठीक है, कि जिसको मान लो कि क्वेश्चनेयर ना फिल करना तो ऐसा कुछ हो तो यानी कि उस सिस्टम में तो ये वाला काम जो है सही हो जाता है। अब क्या है, मेरिट्स क्या है, एडुकेट डाटा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन खुद ही कलेक्ट करता है एनुमरेटर तो डाटा हमें एडुकेट मिल जाता है, बड़े लेवल को इसमें कवर किया जा सकता है। ओरिजिनल डाटा, क्योंकि खुद ही कलेक्ट किया जाता है उनसे पूछताछ करके तो डाटा भी ओरिजिनल रहता है, और रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी भी सही रहती है यानी कि वो हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। अब डीमेरिट्स क्या है, अन इकोनॉमिकल मेथड, देखो इसमें टाइम भी लगता है, अब जो हमने एनुमरेटर को अपॉइंट किया है उसको भी तो सैलरी देनी पड़ेगी तो वो भी खर्चा इसके अंदर लगता है, तो अन इकोनॉमिकल मेथड है, ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है उसको उसके काम से रिलेटेड, ठीक है, कि किस तरीके से उसको काम करना है। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, कई बार इन्फॉर्मेशन में भी गड़बड़ हो जाती है, तो ये है हमारे मेथड्स और सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चनेयर्स कैसा होता है, ठीक है, किस तरीके का होता है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो सेशन रहेगा, आप उस वीडियो सेशन को भी जरूर देखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच।